जापान का फुकुशिमा शहर इस भूकंप से पहले भी कई और भूकंप के झटकों का दर्द झेल चुका है। मार्च 2011 में भी इस शहर में आया था एक जोरदार भूकंप जो अपने साथ लाया था ना भूलने वाला दर्द और सुनामी की तबाही। कैसे जा रहे ऐसी तबाही जो शायद ही इससे पहले और देखने को मिली। पूरे शहर में पानी ही पानी भर गया था। क्या घर, क्या दुकान, क्या मैदान, जिधर भी देखो उधर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। और उसके साथ नजर आ रहा था तबाही का मंजर। और भूकंप के साथ आई इन सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को कर दिया था तबाह। इस तबाही में 16,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। 10 साल पहले आए इस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 थी। 16,000 कहाँ बड़े भूकंप के झटकों का इतिहास बहुत पुराना है। यह यूं कहें कि सदियों से जापान भूकंप का दर्द झेल रहा है। से छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चले तो आ गया।